भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर यांनी बोरिवलीत रंगरास गरब्याचं आयोजन केलंय. या गरब्याला तरुणाई ज्या वादकांच्या वाद्यावरती ताल धरतीय त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमच्या प्रतिनिधी रुचा कानोलकर यांनी. गरबा खेळताना ज्यांच्या तालावर आपण थिरकतो तीही मंडळी आहेत. रजाक शेख ब्रदर बीट्स हा ग्रुप बोरिवलीच्या चिकुवाडीमध्ये येणाऱ्या रंगरास 2022 या कार्यक्रमाची शोभा वाढवणारे हेच ते कलाकार आहेत ज्यांचे हात तासन तास थांबत नाहीत. अगदी 12 वाजेपर्यंत असेल किंवा 5 ते 6 तास लागोपाठ यांचा हात ड्रम सेट्स किंवा इतर कोणतीही वाद्य असतील त्या सर्वावर असतो. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया तुमचा अनुभव कसा आहे 2 वर्षानंतर तुमचा ग्रुप इतका लाइव पर ऑडियंस साठी प्ले करतो है, काय अनुभव है? हम लोग को एक्चुअली 2 साल के बाद जो काम करने मिल रहा है वो बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है. 2 साल से हम लोग भी बहुत वेट कर रहे थे काम करने के लिए. इतना क्राउड देखने के लिए भी हम लोग वेट कर रहे थे. इतने क्राउड में हम परफॉर्म कर पाए तो इस बार हम लोग को जो मौका मिला है वो हम 2 साल का पूरा कसर निकाल रहे हैं. दो साल का जो इस साल में. और हम लोग को प्रीति पिंकी के साथ काम करना बहुत मजा आ रहा है. 25 पीस बैंड है पूरा और बैंड के साथ काम करने भी हम लोग को बहुत मजा आ रहा है. और हमारे बैंड में बहुत दिग्गज लोग भी है जैसे बेस गिटार पे हमारा जोयदा है जो बहुत बड़े लेवल पे बजाते हैं. क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं जो आप प्ले करते हैं? हमारे बैंड में 4 ढोल है, 5 ड्रम है, 5 बेस है और 2 गिटार है, 2 कीबोर्ड है. ये सब है जो सब प्ले करते हैं. मैंने देखा आप ड्रम बजाते वक्त खुद नाचते हो, बहुत मजा लूटते हो, तो क्या अनुभव रहता है आपका? इतनी एनर्जी से हम लोग यहाँ से बजाते हुए आ रहे तो ऑटोमेटिकली अंदर से एनर्जी एक फील हो जाती है और भाई को देख के तो और भी मतलब एनर्जी होती है. हे लोग खरतर तासन तास गाणं वाजवतातच मात्र त्यामागे खूप दिवसांची एक रिहर्सल असते ज्यामुळे हे 9 दिवस त्यांनी 2 वर्ष राहिलेली कसर भरून काढलेली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजेश हेळगावकर सोबत रुचा कानोलकर, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई.